पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का अभी मुरादाबाद प्रशासन ने प्रकाशन भी नहीं किया है, लेकिन वोटर लिस्ट को अवैध रूप से 300-300 रुपए में बेचने का मामला सामने आया है। इसके बाद वोटर लिस्ट बाहर आने के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया। शिकायत के बाद कुंद्रकी थाना क्षेत्र में SDM बिलारी ने छापा मारकर एक फोटो स्टेट की दुकान से पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट की PDF बरामद की है। आरोपी दुकानदार सुमित वोटर लिस्ट को 300-300 रुपए प्रति सेट के हिसाब से ग्राहकों को बेच रहा था। सवाल है कि जब प्रशासन ने वोटर लिस्ट प्रकाशित ही नहीं की तो उसकी PDF कॉपी किसी अन्य के पास कैसे पहुंच गई। फिलहाल आरोपी दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज कर हिरासत में ले लिया गया है। SDM ने कहा कि इसकी जांच कराई जा रही है और इसके लिए जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई प्रदीप त्यागी है किसान यूनियन के, वो यहाँ पे आए होंगे तो उन्हें पता चला होगा कि यहाँ वोटर लिस्ट मिल रही है, तो यहाँ से आके वोटर लिस्ट 300 रुपये में उनने जैसा कि बताया कि ले गए। तो ये संगीन मामला था और बड़ा गंभीर मामला था, इसको देखते हुए हम लोग यहाँ साथियों ने हमारे देख लिया तो बात सही पाएगी कि PDF कहीं से लाई गई थी, बता रहे हैं कि वेंडर के थ्रू या NIC के थ्रू, उसकी अभी जाँच होगी और उसके तहत ये अपना यहाँ बेच रहे थे, नियम विरुद्ध है। तो प्रशासन के प्रकाशन से पहले ही वोटर लिस्ट अवैध तरीके से बिक रही थी और वो भी 300-300 रुपए में। इसी मामले में दुकानदार को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और दूसरी तरफ SDM का भी कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आरोपी दुकानदार सुमित वोटर लिस्ट को 300-300 रुपए प्रति सेट के हिसाब से ग्राहकों को बेच रहा था, लेकिन सवाल यही उठता है कि जब प्रशासन ने वोटर लिस्ट प्रकाशित ही नहीं की है तो फिर उसकी PDF कॉपी किसी अन्य के पास कैसे पहुंच गई। और यही मामला अब सुर्खियों में बना हुआ है, मुरादाबाद का ये पूरा मामला है। फिलहाल आरोपी दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, तफ्तीश आगे चल रही है। SDM ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और जो भी संलिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। तो पंचायत चुनाव नजदीक है, 4 चरणों में चुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक मुरादाबाद प्रशासन ने वोटर लिस्ट जारी नहीं की है, प्रकाशित नहीं की है। उससे पहले ही अवैध रूप से वोटर लिस्ट को 300-300 रुपए में बेचने का मामला सामने आया है। हालांकि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इसकी भी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। शिकायत के बाद SDM ने छापा मारा था और इसी दौरान एक दुकानदार को पकड़ा गया। तो वोटर लिस्ट बाहर आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है और शिकायत के बाद कुंद्रकी थाना क्षेत्र में SDM बिलारी पहुंचे थे छापा मारने के लिए और इसी दौरान एक फोटो सेट की दुकान से पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट की PDF बरामद की गई। और अब इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए प्रशासन के तमाम अधिकारी जुटे हुए हैं, दुकानदार से भी पूछताछ की जा रही है। अभी तक कितने लोगों को ये वोटर लिस्ट बेची गई है ये भी देखना होगा। SDM का कहना है कि इस मामले की जांच कराई जा रही है और इसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो पूरा मामला ये मुरादाबाद का है और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से संकल्प दुबे जुड़े हुए हैं। संकल्प, जब मुरादाबाद प्रशासन ने ये लिस्ट ही प्रकाशित नहीं की तो आखिरकार दुकानदार तक ये PDF फाइल कैसे पहुंच गई? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इसमें किसी किसकी संलिप्तता थी। हालांकि जांच की बात कही जा रही है, एक लैपटॉप जब्त किया गया है उसमें कई जानकारियां सामने आ सकती है, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही, दुकानदार को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में जब संज्ञान लिया एक किसान नेता ने, उसके बाद में कहीं ना कहीं उसने जब शिकायत करी उसके बाद कहीं ना कहीं अफसर क्यों जागे, क्यों नहीं पहले जब पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार प्रशासन की तरफ से बैठकें की जा रही थी, शासन के निर्देश थे कि किसी तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, तो आखिर कैसे वोटर लिस्ट का एक दाम लग जाता है और वोटर लिस्ट किस मसलों के लिए इस्तेमाल की जा रही है इसकी भी जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी अधिकारी इस पूरा मामला सामने आने के बाद में पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं और जांच की बात तो कह रहे हैं, लेकिन ऐसे में देखना होगा कि कितनी जल्दी कार्रवाई देखने को मिलती है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जांच जो चल रही है उसमें पूछताछ उस दुकानदार से की जा रही है और कुछ लोगों को भी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा सकती है, लेकिन लगातार सवाल जो बने।
कर्मचारियों की भूमिका से उनकी संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन से अधिकारी और वो कब उनका नकाब उतरेगा, बेनकाब कब होंगे वो। हालांकि ये बताया जा रहा है कि अंदरूनी तौर पे अधिकारियों में भी खलबली मची हुई है इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में। हड़कंप विभाग में भी मचा हुआ है, अधिकारियों ने भी एक दूसरे से बातचीत इस मार्फत करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो जांच इस पूरे मामले में फिलहाल की जा रही है, अब देखना होगा जिला प्रशासन इसको कितनी जल्दी से जांच को आगे बढ़ाता है। और क्योंकि एक जिन जिन लोगों ने खरीदा इसको उनकी लिस्ट और वो किस पृष्ठभूमि से आते हैं, क्या बैकग्राउंड है उनका, क्या वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं या फिर किसी नेता के नुमाइंदे हैं, ये भी लगातार जांच का विषय बना हुआ है। 300-300 रुपए लेकर के किसने इस लिस्टों को खरीदा और उनका क्या क्या इस्तेमाल किया जाना है, ये फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि जांच की जा रही है। अब ये देखना होगा कि आखिर कितने घंटों में अब इसमें नया अपडेट सामने आता है। फिलहाल लगातार हमारी टीम भी पूरी इस पूरे मामले को लेकर लगातार पूरी तफ्तीश में लगी हुई है। और कई जो किसान नेता था जिसने शिकायत की, उनका भी कहना है कि लगातार उनको भी शिकायत आ रही थी उसके बाद में, लेकिन एक अच्छी बात शिकायत के बाद ही छापेमारी की गई और इसी दौरान इस दुकानदार को हिरासत में लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संकल्प हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।